हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉक पर। मैं हंसिका और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 इजी एक्सरसाइज के बारे में, जो कि आपको घुटनों के दर्द से आराम दिलाएंगे। तो देर ना करते हुए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। एकल पंप में पंजे को धीरे धीरे अपनी ओर को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, रोकेंगे इसको 5 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे पंजे को बाहर की ओर को करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, रोकेंगे इसको 5 सेकंड, फिर धीरे धीरे करके रिलैक्स करते हुए अपनी ओर को लाएंगे, रोकेंगे 5 सेकंड तक, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके इसको बाहर की ओर को स्ट्रेच करेंगे, रोकेंगे 5 सेकंड तक। ये हो गया एंकल पंप। इसके बाद करेंगे हम एंकल रोटेशन। एंकल को धीरे धीरे करके ब्लॉक वाइज घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। इस तरीके से करेंगे हम इसको एंकल रोटेशन। एड़ी के नीचे दोनों पैरों के उससे एड़ी से तकिया को प्रेस करेंगे, रोकेंगे 5 सेकेंड, धीरे धीरे करके इसको ढीला करेंगे, फिर दबाएंगे, रोकेंगे 5 सेकेंड, फिर इसको सेट करेंगे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग। इसके लिए आपको घुटने के नीचे एक मोटा सा तकिया डालेंगे फोल्ड करके, फिर धीरे धीरे घुटने से तकिया को दबाएंगे, रोकेंगे 5 सेकेंड, फिर धीरे धीरे करके ढीला करेंगे, फिर उसके बाद 5 सेकेंड का रिलैक्स लेंगे, फिर धीरे धीरे करके तकिया को दबाएंगे जोर से घुटने से, रोकेंगे 5 सेकेंड। से बेंच पे बैठाएंगे, पहले घुटना धीरे धीरे करके इसका सीधा करेंगे, करिए सीधा, पंजे को अपनी ओर को खींचेंगे, रोकेंगे 10 सेकेंड, धीरे धीरे करके पंजे को ढीला करते हुए घुटना नीचे की ओर मोड़ते हुए अंदर की ओर लेंगे पूरा, इस तरीके से इसको मोड़ेंगे, रोकेंगे 10 सेकेंड। ऐसे ही करके हम दूसरे पैर की भी करेंगे एक्सरसाइज। धीरे धीरे करके पैर को सीधा करेंगे, पंजा खींचेंगे अपनी ओर को, रोकेंगे 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे पंजे को ढीला करते हुए घुटना अंदर को मोड़ते हुए पंजे को पूरा अंदर की ओर को लेंगे, रोकेंगे इसको 10 सेकेंड। पेशेंट को इस तरीके से करवट से लेटना पड़ेगा, उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके पैर को ऊपर की ओर को उठाएंगे, रोकेंगे इसको 10 से 15 सेकेंड, पंजा खींचेंगे अपनी ओर को इस तरीके से, रोकेंगे इसको 10 सेकेंड तक, रोकेंगे इस पोजिशन पर, इसके बाद पंजे को ढीला करते हुए पैर को नीचे की ओर को ले जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए। ऐसे ही करके दूसरी साइड की भी कसम उल्टा लेटना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके पैर को ऊपर की ओर को उठाएंगे, रोकेंगे 10 सेकेंड, पंजा बाहर की ओर को स्ट्रेच करके रोक के रखना है, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके नीचे की ओर को लाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, पैर को उठाएंगे, रोकेंगे पंजे को पूरा बाहर की ओर को स्ट्रेच करना है, रोकना है 10 सेकेंड तक, धीरे धीरे करके पंजे को रिलैक्स करते हुए बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। इस तरीके से बेंच में उल्टा पेट के बल लेटेंगे, धीरे धीरे करके घुटने को अपनी ओर को मोड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे पंजे को, रोकेंगे 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे करके पंजे को सीधा करते हुए पैर को पूरा सीधा करेंगे अपनी नेचुरल पोजीशन में। इस तरीके से दूसरे पैर में भी करेंगे, धीरे धीरे करके इसको घुटना मोड़ेंगे, रोकेंगे पंजे को पूरा स्ट्रेच करते हुए 10 सेकेंड में, फिर इसको धीरे धीरे ढीला करते हुए पैर को पूरा सीधा करेंगे। इसके लिए पैर धीरे धीरे करके ऊपर को उठाएंगे, रोकेंगे 10 सेकेंड, पंजा अपनी ओर को खींचते हुए इस पोजिशन पर रोकेंगे इसको 10 सेकेंड तक, फिर 10 सेकेंड के बाद धीरे धीरे करके पैर को पंजा ढीला करते हुए पैर को नीचे की ओर को रखना है, इसमें 5 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे, 5 सेकेंड बाद दोबारा पैर को उठाना है, फिर पंजे को अपनी ओर को खींचना है, रोकना है इसको 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे करके पंजे को ढीला करते हुए पैर को नीचे की ओर को रखना है, इस तरीके से लेटना है, उसमें पैर के पंजे पे एक दुपट्टे को इस तरीके से फंसा लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके दुपट्टे से पंजे पे फंसा के दोनों सिरों को अपने हाथ से
खींचना है अपने शरीर की ओर को, रोकना है इसको 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे करके इसको धीमा करना है, फिर पैर को नीचे करना है, रोकना है, रखना है इसको।